जो भी आदमी अपनी पत्नी को सोने का हाथ गिफ्ट करता है फिर उसकी पत्नी मरने के बाद भी ऐसा कुछ कर देती है पति के साथ जो आप देखकर चौंक जाओगे। मेरा नाम है सागर वाघेला, स्वागत है द 93 में। कहानी की शुरुआत में हम तीन लोगों को देखते हैं जिसमें एंडी, सेकंड देव और थर्ड पे हैदर जो देव की पत्नी थी। एक ऐसा हादसा होता है इस घर में जो एंडी सबको बताता है, जो वो देव के साथ काम कर रहा था जिसमें देव एक मेहनती फर्नीचर वाला था जो पेड़ों की लकड़ियों से घर में इस्तेमाल होने वाली हाथ की कारीगरी से सामान बनाता था जिसमें बेड, सोफा, टेबल, कुर्सी ऐसे और कई वस्तुएं, और उसका खुद का जंगल था तो वो अपनी ही जगह के पेड़ों को इस्तेमाल में लेता था। और देव की पत्नी बहुत सुंदर थी जो पूरे गांव में खुद को सबसे सुंदर समझती थी, और वो देव की जेब हमेशा खाली करवाती थी क्योंकि उसे खूबसूरत दिखना था और हमेशा महंगी वस्तुएं बहुत पसंद करती थी और ज्यादातर सोने से बनी वस्तुएं जो देव की औकात के बाहर की थी। पर देव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था तो वो उसके लिए कुछ भी हो जाए फिर भी पत्नी के शौक पूरे करता था क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी और दोनों में प्यार हो गया, फिर उन्होंने शादी कर ली। पर एक दिन एंडी अपने घर के कुछ काम के चलते देव के घर पर काम पर नहीं आ पाता और उसी दिन देव को बहुत बड़ी ऑर्डर आती है और ऑर्डर के लिए उसे लकड़ी चाहिए थी और एंडी भी नहीं आया था और वो अकेला ही काम नहीं कर सकता था। इस कारण देव अपनी पत्नी हैदर से मदद मांगता है, पर हैदर को भी आज ही बाहर जाना था और उसकी तैयारी हो चुकी थी। पर लास्ट में हैदर अपना काम छोड़कर देव के साथ जाने के लिए मान जाती है और दोनों जंगल में लकड़ी काटने आते हैं। पर हैदर का चेहरा देखकर पता चल रहा था कि उसका मन नहीं लग रहा था, पर देव के कहने पर हैदर एक रस्सी को कसकर पकड़ लेती है, पर उस दौरान उस रस्सी में एक और लकड़ी फंस जाती है जिस पर देव हैदर का ध्यान नहीं जाता और देव लकड़ी काटना जारी रखता है और पेड़ गिरने लगता है और उस फंसी हुई लकड़ी के कारण कटे हुए पेड़ की दिशा बदल जाती है और वो पेड़ हैदर के हाथ पर गिर जाता है और हैदर का हाथ पेड़ के नीचे आ जाता है जिसमें वो बहुत जख्मी हो जाती है और उसका बहुत खून निकलने लगता है और उसकी ऐसी हालत देखकर देव डर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बड़े पेड़ को हटाकर कैसे हैदर को बाहर निकाले, पर वो अपनी पूरी कोशिश करता है पर वो नाकाम होता है। तो देव हैदर के हाथ को कुल्हाड़ी से पेड़ से अलग कर देता है और अपनी सुंदरता पर घमंड करने वाली हैदर को और अब कमी महसूस होने लगती है और उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और उसे मन ही मन बुरा लगने लगता है कि वो पहले जैसी नहीं बन पाएगी और वो हमेशा उदास रहने लगती है। वो जब भी अपने आप को आईने में देखती है तो उसे बुरा महसूस होता था, इस कारण वो कई रातें सोई नहीं थी। हैदर की ऐसी हालत देखकर देव का भी मन उसे काटने लगता है। हैदर की ऐसी हालत देखकर देव हैदर के लिए मेटल से बना आर्टिफिशियल हाथ बनवाता है, पर हैदर को पसंद नहीं आता और वो देव से कहती है ये काफी डरावना है। फिर देव दोबारा आर्टिफिशियल हाथ डिजाइन करता है, ये डिजाइन देखकर हैदर को पसंद आता है पर वो देव को हाथ सोने का बनाने को कहती है। पर देव को पता था कि उसका काम धंधा बंद हो चुका है और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, पर वो हैदर को दुखी नहीं कर सकता था। फिर वो सोने का हाथ डिजाइन करता है पर उसमें देव का घर गिरवी रखना पड़ता है और साथ ही अपने काम की मशीनें भी बेच देता है क्योंकि वो हैदर को खुश देखना चाहता था। फिर सोने का हाथ लगाकर हैदर बहुत खुश होती है और उसका आत्मविश्वास फिर लौट आता है और वो ठीक हो जाती है, पर वो खुशी ज्यादा दिन नहीं रहती क्योंकि ठंडी के मौसम के कारण हैदर बीमार पड़ जाती है। जब डॉक्टर उसे वजह बताते हैं तो वो थी उसके सोने के हाथ के कारण उसे इन्फेक्शन हो गया है जिसे गोल्ड डिजीज कहते हैं। अगर उसे ठीक होना है तो उसे कुछ दिन हाथ उतारना होगा, पर हैदर नहीं मानती और अपनी सुंदरता के लिए उसे पहने रखती है और ऐसे कुछ दिन में वो और बीमार हो जाती है। तब हैदर देव से एक वचन लेती है कि जब भी उसकी मौत होगी वो उसे गोल्डन हाथ के साथ दफनाएगा। देव उसे वचन देता है और हैदर उसी पल मर जाती है और देव काफी दुखी होता है और वो हैदर को उसके इच्छा के अनुसार उसी गोल्डन हाथ के साथ दफनाता है। कुछ दिन बीतते हैं, देव मायूस रहने लगता है और अब हालांकि कारीगरी की वस्तुएं मार्केट में कम बिकने लगती है और उसकी डिमांड कम हो गई थी, इस कारण देव और भी कंगाल हो जाता है। साथ ही वो एंडी को काम से निकाल देता है क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे
कि वो एंडी को पकड़ दे पाए और तो और हेदर का हाथ बनाने के लिए जो लोन उसने लिया था उसका ब्याज दिन ब दिन बढ़ रहा था। तो देव और परेशान हो जाता है और नशा करने लगता है। पर एक रात उसे ख्याल आता है कि वो हेदर का हाथ बेचकर अपना सारा कर्जा चुका सकता है। तो वो हेदर के कब्र के पास आता है और उसे खोलता है तो वो हेदर का शरीर देखता है जो धीरे धीरे मिट रहा था और देव सोने का हाथ निकालने लगता है। पर तभी हेदर की आंखें खुल जाती है। देव देखकर डर जाता है। वो हेदर की आंखें बंद करता है और उसके गोल्डन हाथ को कुल्हाड़ी से काटकर अलग कर देता है। पर तभी हेदर की आंखें खुल जाती है तो देव इस बार पहले से भी ज्यादा डर जाता है और अपने घर आ जाता है और चैन की सांस लेता है क्योंकि उसके पास गोल्डन हाथ था और वो बेचकर उसका सारा कर्जा चुका पाएगा और वो टेंशन फ्री होगा ऐसा सोचने लगता है। पर तभी देव को अजीब आवाजें सुनाई देती है जो घर के बाहर से आ रही थी। देव दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। वो दोबारा अंदर आता है तो और भी घर में आवाजें आने लगती है और वो आवाजें बढ़ने लगती है। तभी टेबल पर रखी हेदर की एक तस्वीर टूटकर गिर जाती है और उसमें तुरंत दूसरी फोटो बन जाती है जहाँ उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और अगले पल वो तस्वीर में बहुत गरीब आती दिखती है और अचानक तस्वीर से गायब हो जाती है। अब घर में लाइट भी जाती है और तभी बाहर से दरवाजा कोई नॉक करता है। यह सब देखकर देव डर जाता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है तो वो थी हेदर जो देव को कहती है कि तुमने अपना वादा तोड़ा है जो मेरे मरने से पहले मुझे तुमने वचन दिया था कि तुम मेरे शरीर से मेरा सोने का हाथ कभी भी अलग नहीं करोगे पर तुमने किया और मैं वही लेने आई हूँ। यह सुनकर डरता हुआ देव ब्लैंकेट के अंदर से सोने का हाथ हेदर को लौटाता है और हेदर चली जाती है। पर जैसे ही देव चैन की सांस लेता है तो हेदर दोबारा आ जाती है और देव के गले पर हमला कर देती है और देव वही मर जाता है। अंत में एंडी बताता है कि जब ये बात फैल गई यहाँ गांव के बहुत लोग और पुलिस आई और वो नजारा देखकर वो बहुत डर चुके थे क्योंकि देव के बेड पर उसके साथ उसके पत्नी की भी लाश थी। ये नजारा देखकर सब लोग समझ गए कि ये सब गोल्डन हाथ के कारण हुआ है। फिर हेदर को दोबारा उस गोल्डन हाथ के साथ दफना देते हैं और उसके बगल में देव को भी और ये बात सब जगह फैल जाती है कि उस कब्र में सोने का हाथ है। फिर भी कोई चोर लुटेरा उसे चुराने नहीं आता क्योंकि सब उसे श्रापित मानते हैं। और फाइनली इस श्राप के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।